भारी बारिश के चलते रियासी के नाले उफान पर पानी कम होने के इंतजार कर रहे लोग। देर रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें उस समय बढ़ा दी जब नालों का पानी सड़कों पर बहना शुरू हो गया। बढ़ते पानी को देखकर सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लगना शुरू हो गई और लोग इंतजार करते रहे कि कब पानी का बहाव कम होगा और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। घटना रियासी के जिले कैंबलडंगा इलाके की है। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर रुककर पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पानी का बहाव कम हुआ तो लोग जैसे तैसे अपनी मंजिल की ओर निकल गए, लेकिन फिलहाल डेढ़ घंटे तक लोगों को इंतजार करना पड़ा। मेरा नाम सुनील शर्मा है। हम यहाँ से अगार बलिया से रियासी के लिए निकल रहे थे, पर यहाँ पे पानी की संख्या को ज्यादा देख के हम लोग थोड़े डर चुके हैं। और लोग भी बात से काफी मात्रा में यहाँ पे खड़े हैं। स्कूल कॉलेज के बच्चे बेचारे जो हैं वो ऐसे परेशान। कितनी देर होगी आपको रुके हुए? सर एक घंटा हो गया। एक घंटा हो गया जी। जी सर, कितने लोग हैं यहाँ पर जो रुके हुए हैं? सर ये कुछ 100 से ज्यादा ही लोग होंगे अभी। अच्छा जी। हाँ, परेशानी है आपको बारे? सर बस सर काम पे जाना, सर दुकान खोलनी है। देखिए मेरा नाम विशाल ठाकुर है। यहाँ पर देर रात से अभी तक बारिश हो रही है, लगातार बारिश चल रही है और नदियों और नालों में बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है और सड़कों तक पानी जा रहा है। प्रशासन को इस पर देखना चाहिए कि लोगों के घर हैं, इसके नालों के पास घर हैं, दुकानें हैं, तो उनको बहुत डर चुका हो चुका है। और देखो कि प्रशासन को कहीं ना कहीं इसका सोचना चाहिए कि इसमें पानी जो है बहुत पानी आ चुका। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।